आम चुनाव से पहले विरोधियों के साथ साथ मुलायम सिंह यादव और समाजवादी कुनबे के लिए एक और मोर्चा खुल गया है कि वो चुनाव प्रचार करें, विरोधियों के सवालों का जवाब दें या कोर्ट के आगे जवाब दें। हम बात कर रहे हैं इस मामले में याचिकाकर्ता मुलायम सिंह यादव के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोत से ज्यादा संपत्ति का मामला, उसके याचिकाकर्ता विश्वनाथ चतुर्वेदी हमारे साथ हैं। विश्वनाथ जी, आज की सुनवाई में कोर्ट ने यह कहा कि दो हफ्ते के अंदर सीबीआई को यह बताना पड़ेगा कि 2007 की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद इन्होंने क्या क्या किया, तो क्या क्या बताना पड़ेगा सीबीआई को? नहीं, सीबीआई को देखिए उसमें तो सिंगल एक लाइन का है, जब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में प्राइमा फेसी केस में डाउट है तो अब तक किसका इंतजार था एफआईआर करने के लिए? अब एफआईआर करके जो कुछ भी इन्वेस्टिगेशन में निकलता है वो मजिस्ट्रेट कोर्ट में आप दाखिल कीजिए। सादा सिंपल सवाल है। अब 11 बरस से आप अगर सरकारों के दबाव में अब तक आपने कोई कार्रवाई नहीं की है तो इसकी रिस्पांसिबिलिटी सीबीआई की है, याचिकाकर्ता की थोड़ी ना है। जो अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई सीबीआई की तरफ से, तो किस ग्राउंड पे लोअर कोर्ट इसमें कार्रवाई करेगा? नहीं, तो एफआईआर जब सीबीआई ने अपनी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट में कोर्ट से परमिशन मांगी थी, को अब छोटे छोटे सवालों पे सीबीआई ने जब इन्वेस्टिगेशन जांच के निर्देश दे दिए तो उसके बाद फिर परमिशन की कहां जरूरत पड़ती है? जो कुछ भी अगर प्राइमा फेसी केस में डाउट है, जब सीबीआई ने वैल्यूएशन केवल आईटीआर रिटर्न की समरी बनाई थी जिसमें सैफई कोठी का वैल्यूएशन उन्होंने मात्र 20,000 रुपए किया, सैफई में अखिलेश यादव के गेस्ट हाउस का वैल्यूएशन मात्र 32,000 रुपए किया, राजभवन के सामने 10,000 स्क्वायर फीट का कमर्शियल प्रॉपर्टी थी वो 36 लाख रुपए उसका वैल्यूएशन बताया, 25 लाख रुपए महीने किराया आता है। तो जब इस तरीके का इन्वेस्टिगेशन किया तो कोर्ट को जवाब भी सीबीआई को ही देना पड़ेगा कि कौन सा मैंने इंडिपेंडेंट वैल्यूअर और चार्टर अकाउंटेंट इंजीनियर हायर किया था जिसका वैल्यूएशन ये है। यानी दो हफ्ते में जब कोर्ट के आगे मामला फिर आएगा तो उस समय ये तमाम सवाल भी उठाए जाएंगे जिसके जवाब सीबीआई को भी देने हैं और मुलायम सिंह यादव को।